नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, टीवाई बीकॉम में सेमेस्टर 6 में हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, जिसके यूनिट नंबर 1 में आज के सेशन के अंदर हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ग्राहक सुरक्षा अधिनियम, जिसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज के पर्पस से और एग्जाम्पल ओरिएंटेड सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ये क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, और उसके लिए इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें की गई है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस पूरे सेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखना, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स अभी भी कॉमर्स स्ट्रीम में एक्सलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करने के लिए साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हैं, तो अपने सारे दोस्तों को, आपके छोटे भाई बहन या कोई भी रिलेटिव को, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, उनको बोलो कि कॉमर्स स्ट्रीम में एक्सलेंट एजुकेशन के लिए वो आज ही साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, जहां पे आपको अलग अलग स्टडी ऑप्शंस मिलते हैं, और सभी स्टडी ऑप्शंस के अंदर आपको एक्सलेंट डिजाइन किए हुए पैम्पलेट्स एक्सपर्ट के द्वारा वो मिलेंगे, उसके साथ साथ बेस्ट रिवीजन नोट्स और रिविजनल वीडियोस मिलेंगे, सभी टॉपिक के ऊपर हाईटेक 3D टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो सेशंस मिलेंगे, जिससे आप कहीं भी कभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, अनलिमिटेड एमसीक्यू के टेस्ट, उसका इंस्टेंट रिजल्ट, और बहुत सारे एजुकेशनल फीचर्स हैं, जिसका बेनिफिट उठा के आप बढ़िया सा नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही बढ़ा सकते हो। तो आप सब और आपके फ्रेंड सब इसका बेनिफिट जरूर ले। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज द नीड और रेशनल फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ग्राहक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। तो यहां पे क्या जरूरत थी कि हमको ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत हो गई? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पे बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो दे दूं कि जैसे जैसे मार्केट डेवलप होता गया, वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर्स है, सेलर है, उसके बीच में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को अट्रैक्ट करने की भी कंपटीशन हो गई कि कौन ज्यादा कस्टमर ले जाएगा, किसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और यहां पे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की लालच में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे सेलर्स ने शॉर्टकट्स अपनाना शुरू कर दिया, जिसके अंदर बहुत ही सारे अलग अलग तरीके से वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब ग्राहकों का शोषण किया जाता था उनको, चाहे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट देके या नकली प्रोडक्ट देके, या तो मिसलीडिंग यानी कि गलत सलत एडवर्टाइजमेंट दिखा के, या तो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करके, मतलब अलग अलग तरह से ग्राहकों का शोषण किया जाता था। और इसी शोषण के सामने प्रोटेक्शन देने के लिए, ग्राहकों को सेफ्टी देने के लिए यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कि अगर ग्राहक बाजार का राजा है तो वो राजा को प्रोटेक्ट करना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, जो कि देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स रेमेडीज, ऐसे रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, विच आर इजी एंड सिंपल, क्विक मतलब बहुत जल्दी से, एंड लेस एक्सपेंसिव, उसके पीछे खर्चा भी बहुत कम होता है। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब यहां पे हमें मेन चीज समझनी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपको एमसीक्यू के एंगल से भी काम लग सकता है और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहां पे चार ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव कहो या फिर पर्पस कहो, ये सारी चीजें इसमें ही आती है। तो सबसे पहला, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षा देना। तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, उनका जो बेनिफिट है, गुजराती में कहिए तो एमनू हित, ग्राहक नु जे हित छे एने सुरक्षा आपवानी। For this purpose, the Act makes provision for establishment of Consumer Protection Council. तो ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट के अंडर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश करने का
प्रोविजन किया गया फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, मतलब ग्राहक को कोई भी डिस्प्यूट होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, याद रखना, कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में किसको एस्टैब्लिश किया गया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को एस्टैब्लिश करना। देन सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको कुछ हक मिलते हैं, उनको कुछ राइट्स मिलते हैं, तो वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। तो यहां पे हमें ये जानना है कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट है, बिकॉज आप मैं सब कंज्यूमर है। पहले तो आप लोग ये समझ लो कि कंज्यूमर क्या होता है, हालांकि आप FY में 11th 12th में भी पढ़ के ही आए हो। कंज्यूमर मींस एनी पर्सन हु कंज्यूम और यूज या बाय एनी प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी पर्सन जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को या तो खरीदता है या तो इस्तेमाल करता है, वो सब को कंज्यूमर कहा जाता है। तो इस एंगल से देखें तो हम सब, आप मैं सब कंज्यूमर है, क्योंकि हम सब कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करते ही है या खरीदते ही है, तो हम सब कंज्यूमर है। तो आपके मेरे यानी कि कंज्यूमर के क्या राइट्स है, ये आपको और मुझे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 6 राइट्स की बात की गई है, जो भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड पता होने चाहिए। तो पहला है राइट टू सेफ्टी, सबके पास सुरक्षा का अधिकार है। देखो, द राइट to be protected against the marketing of goods and service which are hazardous. Hazardous का मतलब क्या होता है? Dangerous, मतलब ऐसी product या service के marketing के सामने protection मिलना जो कि life और property के लिए hazardous है। Hazardous मतलब dangerous है, मतलब dangerous chemical हो या तो फिर drugs हो, तो इन सब के marketing के ऊपर, उसके selling के सामने consumer को protection मिलना चाहिए। कि TV के ऊपर आपको कोई ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिलेगी। पहले देखो, सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती थी टीवी के ऊपर, पर अब आपको कहीं पे भी सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सारी चीजें लाइफ के लिए हैजार्डस है। तो ऐसी चीजें या ऐसी सर्विस के मार्केटिंग के सामने प्रोटेक्शन मिलने का ये हमें राइट है। देन सेकंड, राइट टू बी इंफॉर्म्ड, मतलब सही इंफॉर्मेशन हमको मिले, ये भी जरूरी है। ग्राहक का हक है कि मुझे सभी इंफॉर्मेशन सही सही मिले। द राइट टू बी इंफॉर्म, राइट टू बी इंफॉर्म मतलब सही इंफॉर्मेशन का मिलना। अबाउट द क्वांटिटी, पोटेंसी, पोटेंसी मतलब कैपेसिटी क्षमता, प्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेस सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आपको हर एक गुड्स या सर्विस की प्राइस है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, पोटेंसी कैसी है, ये सारी चीजों के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ताकि आपको यहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कोई गलत तरह से आपके पास प्राइस चार्ज कर रहा है या घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो उसके सामने सुरक्षा मिल सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम लोग साहस स्मार्ट स्टडीज के ऊपर एक्सलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या फीस चार्ज करते हैं, कैसी क्वालिटी का एजुकेशन देता है, कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मार्केट में अलग अलग जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा फीस या प्राइस चार्ज करते हो और उसके सामने प्रोडक्ट अच्छी ना मिलती हो, सर्विस अच्छी ना मिलती हो, तो यहां पे कंज्यूमर के लिए अलार्म है कि मुझे पता होना चाहिए कि यहां पे मुझे इस क्वालिटी का एजुकेशन इसी प्राइस के ऊपर मिल रहा है, तो मैं कहीं और पे ज्यादा पैसे खर्च ना करूं। ये आपका हक है कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिले। देन राइट टू चूज, मतलब पसंदगी का अधिकार, आपको पसंदगी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यही है और यही खरीदना पड़ेगा, नहीं। मैं भी ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर ही पढ़ाई करो, नहीं। आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, साहस इंस्टीट्यूट है और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आप सबको कंपेयर करो और उसमें से चॉइस करो। वो एयरटेल वाली लड़की कहती है ना, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो, तो यहां पे चुनो, चूज करो, इसका आपको राइट होना चाहिए। इट मीन्स कंज्यूमर विल बी ऑफर्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आपको अलग अलग वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर होंगे, जिसमें से आपको बेस्ट आपके लिए जो है वो चॉइस करता है।
देन राइट टू बी हर्ड, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको सुनना भी चाहिए, तो आपको सुना जाए, ये आपका अधिकार है। देखो द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन, ड्यू मतलब प्रॉपर कंसिडरेशन, मतलब आपका इंटरेस्ट को प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा एट एन अप्रोप्रिएटेड फोरम, जो कि ऊपर का ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उसके अंडर में जो चीजें सेटअप हुई है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे वो फोरम में आपके इंटरेस्ट को, आपके प्रॉब्लम को, आपके कंप्लेन को सुना जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फोरम्स फॉर्म्ड टू कंसिडर द कंज्यूमर वेलफेयर, मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, वो चीज आप ये जो भी रिस्पेक्टिव फोरम सेटअप किए गए हैं वहां पे जाके आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो कि देखो ये प्रोड्यूसर ने या ये सेलर ने मेरे साथ ये गलत काम किया है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका जो भी रिस्पेक्टिव कंज्यूमर फोरम आता होगा वहां पे सुना जाएगा, ये आपका अधिकार है। देन राइट टू बी सीक रिड्रेसल, मतलब आपने कंप्लेन कर दी मतलब बात खत्म, ऐसे ही थोड़ी। रिड्रेसल का मतलब क्या, सॉल्यूशन, मतलब कि आपने जो भी प्रॉब्लम या कंप्लेन की है उसका आपको सॉल्यूशन यानी कि रिड्रेसल मिले, ये भी आपका अधिकार है। तो याद रखना है रिड्रेसल यानी कि सॉल्यूशन। तो इट मींस द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो उसके सामने आपको रिड्रेसल यानी कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब को ग्राहक को एजुकेट करना है, ग्राहक को शिक्षा देनी है, मतलब जानकारी देनी है कि देखो आप आंखें बंद करके कहीं पे भी कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस ना ले लो, आप देखो मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल साहस इंस्टीट्यूट है, उस तरह से दूसरे कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन अच्छी प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं। अब आप सबके एजुकेशन को कंपेयर करो, सबकी फीस को कंपेयर करो, ये आपको शिक्षा का अधिकार है कि जानकारी लो, ये जानकारी लो और बाद में डिसाइड करो, बिना कुछ सोचे समझे डिसाइड कर रहे हो, इसका मतलब कि ग्राहक भी गधा है, राजा नहीं है, गधा है, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन है, ये राइट है कि वो चॉइस करे, वो यहाँ पे एजुकेशन ले, मतलब जानकारी ले कि कितने कितने प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, क्या प्राइस होती है उसकी। पर आप ये एजुकेशन लोगे नहीं तो फिर ऑब्वियसली आप गधे ही हो गए। तो देखो इट मींस राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद अभी हमने देखा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में सेटअप किया गया ताकि कंज्यूमर के जो भी ग्रीवेंसेस है, ग्रीवेंस कहो या प्रॉब्लम कहो या कंप्लेन कहो, उसका रिड्रेसल यानी कि सॉल्यूशन दिया जा सके। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, जो कि आगे एक बहुत ही बड़ा टॉपिक आने ही वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एमसीक्यू भी कंफर्म आएंगे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आने ही वाले हैं। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों जगह पे सेटअप किए गए थे। एंड इस टॉपिक का आखिरी पार्ट है क्वेसी जुडिशियल मशीनरी फॉर द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट। देखो क्वेसी जुडिशियल मशीनरी मतलब कि गवर्नमेंट की सिस्टम, ऐसा समझो कि जहां पे आपको जल्दी से स्पीडी यानी कि जल्दी से रिड्रेसल यानी कि सॉल्यूशन मिले कंज्यूमर के डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट मतलब प्रॉब्लम, कंप्लेन, जो कुछ भी कहो, मतलब ग्राहक के प्रॉब्लम या कंप्लेन का जल्दी से सॉल्यूशन मिले, उस तरह की गवर्नमेंट सिस्टम कि जहां पे ग्राहक को जल्दी से जल्दी अपना सॉल्यूशन मिल जाए। तो अंडर दिस एक्ट क्वेसी जुडिशियल मशीनरी हैज बीन सेट अप एट सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एंश्योर द स्पीडी एंड सिंपल रिड्रेसल टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। दिस मशीनरीज हैव पावर टू गिव रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक नेचर एंड अवॉर्ड कॉम्पनसेशन व्हेन नेसेसरी टू कंज्यूमर। ये सारी चीजें हम आगे के टॉपिक में डिटेल में सीखने ही वाले हैं, जहां पे ये कंज्यूमर रिड्रेसल काउंसिल्स है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्लियर? अभी हम आगे सेकंड टॉपिक को डिस्कस करें, उससे पहले अगर आपको ये सेशन, ये एजुकेशन, हमारा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दे,
और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स है जो कि एमएस यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम में पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और पूरे सेशंस को अवेल करने के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर दे। साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों को पढ़ाई के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं जो कि आप आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पे कोई भी आपको प्लेस का बैरियर नहीं आएगा, आप कहीं से भी एक्सलेंट एजुकेशन अवेल कर पाओगे, कोई भी फीस का भी टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप आपकी फीस, आपकी कैपेसिटी, आपका डिस्टेंस, रेसिडेंस, वो सब चीजों को ध्यान में रख के आप फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। साहस ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरएक्टिव सेशंस होते हैं जो नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ही ज्यादा अलग है, आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप हमारे ये डिजिटल क्लासरूम के अंदर प्रेजेंट हो। एंड साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, तो आप या आपके कोई भी जूनियर भाई बहन है सबको ये रेकमेंड करो, आज ही इसका फायदा उठाओ। और अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमारी ऑफिसेज जो है वहां पर भी मिलने को आ सकते हो, ये नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज एक्सप्लेन द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया, फिर से एक बार जल्दी जल्दी से समझ लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1D, कंज्यूमर इज अ पर्सन, जो भी मैंने कहा था, हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, हु यूजेस द गुड्स विथ द अप्रूवल ऑफ द पर्सन हु हैज बॉट द गुड्स। मतलब के फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपके लिए एक्टिवा या बाइक बाय किया है, तो बायर आपके पापा है, पर यूज कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो आपके पापा की परमिशन से, तो आप यूज कर रहे हो। सर मैंने नहीं खरीदा है, खरीदा तो पापा ने, मैं तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा? यस, आप ये गुड्स को यूज कर रहे हैं तो आप भी कंज्यूमर ही कहलाओगे। सिमिलरली हायर्स और अवेल एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन, आप कोई भी सर्विस लेते हो या बिकम्स द बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस, मतलब सर्विस खरीदी है आपने या आपके कोई फैमिली मेंबर ने। फॉर एग्जाम्पल आप साहस स्मार्ट स्टडीज के साथ एक्सलेंट एजुकेशनल सर्विस ले रहे हो, तो उसकी फीस भले बहुत कम है, लोवेस्ट फीस है, पर वो पे की है आपके पापा ने, तो बायर जो है सर्विस के वो आपके पापा है, बट उसका इस्तेमाल बेनिफिट कौन ले रहा है? आप लोग ले रहे हो, आपने आपकी जेब के पैसे नहीं दिए, पापा की जेब के पैसे दिए हैं, आप लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हो, बिकम्स द बेनिफिशियरी दैट मींस के यूजर ऑफ दिस सर्विस, तो आप भी कस्टमर कहलाओगे। तो गुड्स हो या सर्विस हो, बायर या यूजर, ये कस्टमर कहलाए जाते हैं। अब कंसिडरेशन क्या है ये तो हम लोग यूनिट मींस सेमेस्टर 5 में यूनिट 1 में सीख चुके हैं। Then the term consumer does not include a person. ये चीज याद रखना कि consumer के अंदर कौन include नहीं होता है, MCQ के angle से आपको काम लग सकता है। Obtains the goods for resell, मतलब goods लेता है बेचने के लिए, मतलब for example ये shopkeeper है छगनदास, अब ये छगनदास क्या करता है, तो wholesaler के पास से goods जो है वो goods को खरीदता है या लेता है, अवेल करता है। क्यों लेता है? ताकि वो दूसरे कस्टमर्स जो है उसको सेल कर सके। तो यहां पे ये छगनदास जो है जो कि गुड्स को एक्वायर करता है, ऑप्टेन करता है, बाय करता है ऐसा नहीं कहा, ऑप्टेन करता है, लेता है, खरीदता नहीं है, लेता है फॉर द रीसेल, तो उसे यहां पे बायर या कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा। ऑप्टेन द गुड्स फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस, कोई भी गुड्स लेता है कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस मतलब उसके ऊपर वो कुछ प्रोसेस करके गुड्स बेचने वाला है ऐसा कुछ। अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस, तो कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई गुड्स या सर्विस अवेल करते हैं तो वो लोग भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी ऐसा मैं आशा रखता हूं। यहां पे ये सेशन मैं YouTube के लिए खत्म कर रहा हूं। अगर आप लोग एक्सलेंट एजुकेशन फुल फ्लेज अवेल करना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो को अवेल करना चाहते हैं, तो आप आज ही साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर दे और आपके छोटे भाई बहन फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी रेकमेंड करें कि चाहे वो 11th 12th कॉमर्स हो, FISY TY BCOM में हो, CA या CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं, तो आज ही ऐप को सब्सक्राइब करके एक्सलेंट एजुकेशनल फीचर्स को अवेल करें जिससे कि नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ेगा। तो आज ही इसका बेनिफिट ले और अपने एजुकेशन को एक नया आयाम पे ले जाए।
चलिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या ऐप के यूजर्स हैं उनके लिए ये सेशन कंटिन्यू है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हु कैन बी अ कंप्लेनेंट, मतलब कौन कंप्लेन कर सकता है, व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन कौन कौन से नेचर की, मतलब कौन कौन से तरह की कंप्लेन कर सकते हैं, हु कैन बी कंसिडर्ड कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये सारी चीजें हम ये टॉपिक नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे